जैसा कि आप सबको पता होगा कि 10 जून को इंडिया के अंदर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन रन कराई गई थी और सक्सेसफुली रन हो गई थी। तो डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इंडिया में पहली बार नहीं चली हैं, और भी कंट्रीज़ में हमेशा चलते आई हैं, काफ़ी टाइम से चल भी रही हैं, बट वहाँ पर जो है डीजल इंजन से चलाई जाती थी, इलेक्ट्रिकल इंजन से नहीं चलाई जाती थी। लेकिन इंडिया में जो है सक्सेसफुली इलेक्ट्रिक इंजन से रन कराया, तो काफ़ी प्राउड करने वाली बात है कि इंडिया ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से डबल स्टैक कंटेनर्स को रन कराया। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज यानी कि उससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में आगे बढ़िए। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से 10 जून को गुजरात से ट्रेन चलाई गई थी और सक्सेसफुली वो रन कर गई थी, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। क्या टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? तो फ़ायदे तो ये होंगे कि हमारी जो कॉस्ट है बचेगी, एक टाइम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को या फिर बोल सकते ट्रांसपोर्ट को आसानी से कर सकते हैं, वो भी कम कॉस्ट में, तो इससे हमारी कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा, बहुत सारी चीज़ें। पहला टेक्निकल इशू क्या आएगा कि अगर हम डबल कंटेनर ट्रेन को रन कराएंगे तो डबल कंटेनर ट्रेन की जो हाइट होगी वो काफ़ी ऊंची हो जाएगी, तो उसके लिए जो हमारे पोल्स लगे होते हैं रेलवे ट्रैक पे वो हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए जितना भी रेलवे का सिस्टम उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उन सबकी हाइट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो दूसरा इशू क्या आएगा कि हमें पेंटोग्राफ की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। पेंटोग्राफ क्या होता है? पेंटोग्राफ जो आप लोकोमोटिव्स के ऊपर देखते हैं लगा होता है, वायर से कनेक्टेड होता है, वो प्रॉपर कनेक्ट रहना चाहिए, उसकी कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, वरना रेलवे के अंदर फॉल्ट आ सकता है, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो हमारा अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम लोकोमोटिव यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले, वहाँ पे जो हमारा वायर लगा हुआ हमारा लाइन वायर यूज़ होता है उसकी हाइट होती है 5.6 मीटर, तो लोकोमोटिव से पेंटोग्राफ को केवल 1.5 मीटर की हाइट पे ऊपर उठाना पड़ता था जिससे वो कनेक्ट में आ जाता था और उसकी वजह से हमें सप्लाई मिलने लगती थी। तो ये तो अभी तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात हो रही थी, लेकिन अब जो डबल कंटेनर चलाए जाएंगे इसकी वजह से जो हाइट इंक्रीज़ होगी उसके लिए हमें पोल्स की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, पेंटोग्राफ की भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए जो हमें तो उसके लिए मैक्सिमम हमें 7.57 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा और उसके लिए हमें जितने भी पोल्स लगे हुए हैं वो सारे इंक्रीज़ कराने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, जो हमारा पेंटोग्राफ लगा हुआ होता है उसको जो राइज़ कराना पड़ेगा यानी उसकी हाइट को और ऊपर उठाना पड़ेगा और उसकी मैक्सिमम हाइट उठानी पड़ेगी 3.5 से लेकर 3.6 मीटर तक की हमें डिस्टेंस ऊपर उठानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा जो कंटिन्यूटी है वो कंप्लीट होगी, जिसकी वजह से रेल रन करेगी। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ों में खर्चा आने वाला है, ये तो बात हो गई। लेकिन यहाँ पे एक बहुत मेजर सा टेक्निकल इशू आ रहा है, वो है एयर ड्रैग। अब एयर ड्रैग क्या होता है? जैसे कि पैराशूट से कोई इंसान ऊपर से नीचे गिरता है तो उस पर एयर ड्रैग का प्रेशर लगता है जिसकी वजह से वो फूल जाता है, फूलने की वजह से हम स्लोली नीचे आते हैं, यानी कि एक एयर का प्रेशर ऊपर की तरफ उसे पुश करता है। सो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि जब हमारा डबल स्टैक कंटेनर रन करता है यानी कि इसकी स्पीड 60 से ऊपर जब चली जाती है तो उसके ऊपर भी एयर ड्रैग का प्रेशर लगता है, क्योंकि वो अभी तक हम उससे ज़्यादा 1.5 से या 1.6 मीटर से ऊपर इसको उठा नहीं रहे थे, लेकिन अब हमने उसे डायरेक्टली इंक्रीज़ करा दिया 3.5 मीटर की डिस्टेंस पे, तो उसकी वजह से उस पर एयर ड्रैग प्रेशर, हालांकि एयर ड्रैग प्रेशर पहले भी लगता था लेकिन उसकी वजह से हमने उसको एडजस्ट कर रखा था कि कितने प्रेशर पे हम इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, हाइट काफ़ी इंक्रीज़ करानी पड़ी और उसकी वजह से एयर ड्रैग प्रेशर लग रहा था, जिसकी वजह से जब रेलवे की स्पीड बढ़ती थी उसकी स्पीड बढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर जो प्रेशर लगता था उसकी वजह से वो पीछे की तरफ फ्लिप होने लगता था। पीछे की तरफ फ्लिप होने की वजह से क्या होता था कि उसकी जो कंटिन्यूटी थी ब्रेक होनी थी, उसकी वजह से वहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है यानी कनेक्ट पेंटोग्राफ का कनेक्ट और वायर से कनेक्टिंग का पॉइंट, वहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है। स्पार्क जनरेट होने की वजह से कार्बन आ सकता है, लॉस हो सकते हैं बहुत सारे, और ट्रेन के अंदर स्पार्क हो सकता है, आग लग सकती है, ये सारे नुकसान हो सकते हैं। इसका भी सोल्यूशन अभी किया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक जरूर करके बताइए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के वीडियो हम इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो अब हर साल 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक की कॉस्ट को ये ट्रेन्स कवर करेंगी, यानी कि इतने रुपए की बचत करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे इंजीनियर्स नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं और इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी सही हो जाएगी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके हमारी इकोनॉमी काफ़ी सही हो जाएगी।